स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो अभी जो मेरी मम्मी है वो माता के भोग लगाने की तैयारी कर रही है। इन मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में हम माता का जो भोग बनाया था वो इनमें डालेंगे, जिसे माता का कंडवारा भरना बोलते हैं। और जो माता की पूजा करती है वो हाथों में मेहंदी भी लगाती है, और राजस्थान का प्रसिद्ध पोशाक है कि पीला पोमचा ओढ़ के ही पूजा करती है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पूजा हो रही है, और ये हमारे नए किसान ड्राइवर जो कि रात भर खेत का काम करके थक गए इसलिए सीट पे ही सो गए। पर ये क्या, ये तो शर्मा भी गए। आगे चलते हैं। तो अभी हमारे यहाँ सभी औरतें पूजा कर रही है माता की। पूजा करने के बाद तो सभी एक जगह बैठकर फिर गीत गाती है माता के। उसके बाद जो माता के हमने दूध और पानी चढ़ाया था उसी को लेके आते हैं, और गायों पे सभी भी छींटे मारते हैं। आज के दिन सभी औरतें अपने बच्चों व अपने जानवरों की सुरक्षा की मन्नत मांगती है माता से। इसके साथ ही इतना माता की पूजा ख़त्म होती है। और ये हमारी याद चल है कि जो निगाहें टिका के बैठी रहती है गेट पर कि कोई आए और उसे कुछ खिला के जाए, मतलब आशा को कुछ भी खिला लो सब कुछ खा लेगी, किसी के लिए भी मना नहीं करेगी। आजकल तो इसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगने लग गई है, लगता है डियरबिंग करनी पड़ेगी। हाथ भी खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, हाथ भी खा ले, खा ले। शीतला माता की पूजा तो खत्म हो गई, लेकिन मेरा काम अभी स्टार्ट होता है। मेरे को आज गाय को नहलाना है। बहुत दिन हो गए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं गाय को नहलाऊँ। जिस दिन भी नहलाने का सोचती हूँ ना, या तो बरसात हो जाएगी या फिर बादल हो जाएंगे या फिर ठंडी हवा चलेगी, तो मैं उन्हें नहीं नहलाती। लेकिन आज मौका है इसलिए मैं नहला रही हूँ। लेकिन आज भी सभी जानवरों को नहीं नहलाएंगे, केवल गाय गायों को नहलाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इन्हें नहला रही हूँ तो एक एक को बहुत अच्छी तरह से नहलाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं केवल आज गाय गायों को नहलाऊंगी। शैम्पू से नहलाने के मेरे दो रीज़न है। पहली बात तो इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई है तो वो निकल नहीं रही बालों से इसलिए, और दूसरा कारण यह है कि इनमें गोबर की बदबू ज़्यादा आती है तो लाड करने का मन ही नहीं करता, इसलिए शैम्पू से नहलाऊंगी तो खुशबू अच्छी आएगी, इसी बहाने लाड भी कर लूँगी अच्छे से। सभी गाय को नहला दिया। एक आभा रही है क्योंकि उसे नहाने का बहुत शौक है, तो मैं इसलिए भी नहला देती हूँ।